नमस्ते, मैं हूँ सुचिस्मिता। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रस। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डिश। चलिए क्या हम बनाएंगे वो मैं बता देती हूँ। हम बनाएंगे ऑमलेट, एग ऑमलेट बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही बेसिक सा रेसिपी है, पर हमें बहुत ये ज़रूरी होता है जब हमें नहीं पता होता है कि कैसे बनाना है, और हमें अगर फास्ट फास्ट बनाना हो कुछ भी तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया हुआ है, बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, हल्दी, आपको जितना चाहिए उतना तेल, और नमक। देख लेते हैं इसमें क्या कैसे क्या क्या मिलाना है। हम इसमें प्याज डाल देंगे जितना आप लेंगे, अंडा उस हिसाब से आपको बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है, आपको जितना पसंद हो उतना आपको डाल देना है, और आपको डालना है हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत देर तक इसको मिक्स कर लेना है कि हल्दी जो हमने डाला है उसका लम्ब्स लम्ब्स ना रहे बिल्कुल भी। और देखिए, ये लम्ब्स लम्ब्स जो रह रहा है वो बिल्कुल ना रहे, वैसा हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये जो लम्ब्स रह रहा है वो बिल्कुल ना रहे, वो ध्यान रखना है। और नमक अच्छे से पूरे इसमें ऑमलेट में मिक्स हो जाए, अंडे में मिक्स हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है। एक से दो मिनट आप इसको ऐसे मिक्स कर ले। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम इसमें एक टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे कढ़ाई में ऐसे इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमें ये अंडा जो हमने करके रखा है, बीट कर लिया है, उसको हम डाल देंगे इसमें। हमने अभी अंडा डाल देना है, पूरा इसमें डाल देना है, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हिला देना है। किसी एक साइड से अगर ये हुआ हुआ नहीं रहा तो पूरे इसमें फैला देना है। और इसमें आप चाहो तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो। हमें स्टीम बढ़ा देना है। देखिए, ये हो भी गया है, बहुत ज़्यादा देर इसको बनाने में लगता नहीं है, 3 से 4 मिनट बस ये हो जाता है। आपको अगर चाहिए तो आप इसको रोल रोल ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा राउंड भी आप इसको रख सकते हैं। मैं अभी इसका सेकंड साइड भी बना लूँगी। ये देखिए, एक साइड अच्छे से हो जाए तभी आप इसको फ्लैप कीजिएगा, नहीं तो फिर ये टूटने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा आप इसको कम कर दीजिए स्टीम, जिससे कि अंदर का भी ये अच्छे से बॉयल हो जाए, फ्राई हो जाए। अभी आप इसका स्टीम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हमारा हो गया है और सर्व करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। देखिए, अच्छा फ्राई होके ये कलर आ गया है, बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म ऑमलेट को सर्व कीजिए। हमारा गर्मा गर्म ऑमलेट बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रेसिपी है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सुचिस्मिता फिर मिलूँगी आपसे और भी बहुत सारे डिलीशियस रेसिपीज लेके। थैंक यू।